वर्तमान पीसीसी चीफ कमलनाथ को ही पीसीसी चीफ पद पर बने रहने का फैसला लिया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। लेकिन बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ था और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाने की मांग पर जोर देते हुए राजधानी भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में पोस्टर भी लगाए थे। लेकिन अब इसमें एक और नया विवाद सामने आ गया है जब सिंधिया समर्थकों द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। आखिर किसने ये पोस्टर फाड़े हैं और क्या है ये पूरा मामला, आइए इसकी जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे भोपाल संवाददाता राकेश शर्मा से। मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दोनों पोस्टर वार जारी है। ग्वालियर के बाद भोपाल में लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो पोस्टर लगे हुए थे भोपाल में एक स्थान पे लगे थे, लेकिन दूसरे जो चौराहे है भोपाल का राजधानी का पॉलिटेक्निक चौराहा है उस चौराहे पे लगे उस पोस्टर को फाड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं अब्दुल नासिर और पार्षद हैं नगर निगम की समीर नासिर द्वारा इस चौराहे पर इन्होंने यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में अध्यक्ष बनाए जाने को समर्थन में ये पोस्टर लगाया था। लेकिन इस पोस्टर को किसी असामाजिक तत्वों द्वारा नहीं, हालांकि इसमें अभी तक कोई जानकारी या पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है कि नहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा आके इस पोस्टर को फाड़ दिया गया। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मध्यप्रदेश की राजनीति में जो गुटबाजी है वो कितनी हावी है। या तो कुछ हालांकि इस मामले में जो कांग्रेस के नेता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है और उन्होंने तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं गुटबाजी के या पोस्टर को लेकर फाड़ने को लेकर उस मामले को लेकर साफ तौर पे इनकार किया है। तो अब देखना होगा कि ये जो पोस्टर फाड़ा गया है ये मध्यप्रदेश की राजनीति में कितना रंग दिखाता है। भोपाल से कैमरामैन सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP News TV भोपाल।